हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप से बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स की। जो फ्लावर्स के अंदर होता है, एंजियोस्पर्म की फैमिली के अंदर, जो मोस्टली जो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है बाय एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो एक बात आपको क्लियर है कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो है आपका एबायोटिक वे और दूसरा है आपका बायोटिक वे। अब तक हमने बात की थी एबायोटिक वे के बारे में, जो जिसके एग्जांपल थे आपका एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली हमारे हमने कंप्लीट कर लिया था बोर्ड पर, और हाइड्रोफिली भी हमने कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स से मतलब है यहाँ पर एक तरह के इंसेक्ट्स। ओके, उन्हीं से क्या है, यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को हम डन कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हम पॉलिनेशन बाय एनिमल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ले रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाइज, बीस बेस इट इज फॉर पॉलिनेशन। आपके जो एंजियोस्पर्म फैमिली के जो मतलब जितने ही फ्लावर्स है वो सब यूज़ करते हैं आपके ये सब इंसेक्ट्स के नाम नेम रखे हैं यहाँ पर, जैसे बटरफ्लाई हो गया, वीज हो गया, बेब्स हो गया। ये सब क्या हैं, एक तरह के इंसेक्ट्स हैं जो कि आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। किसमें? फ्लावर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट्स एंड कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द एनिमल पॉलिनेटर्स। देखिए, जो फ्लावर्स के अंदर आपका पॉलिनेशन प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं हमारी, उन्हें बोलते हैं हम पॉलिनेटर्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स। तो यहाँ पर उन्होंने नाम क्या दे दिया, क्या है, एनिमल पॉलिनेटर्स। ये देखो, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप किसी से काम करवाते हो तो वो अपने लिए कुछ अपेक्षा रखता है, कि उसे भी कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर है फ्लावर्स के केस में। अगर आप किसी भी एनिमल को यूज़ करते हो अपने किसी पर्पज़ के लिए, मतलब आपको पॉलिनेशन कराना है, तो उसको भी कुछ तरह का इनाम देना पड़ेगा, उसको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, जिससे कि वो खुश हो जाए और आपका काम कर दे। आपका काम क्या करेगा, वो जो कि पोलन्स हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाएगा, फीमेल फ्लावर तक, और आपके पॉलिनेशन प्रोसेस को कराएगा। अब उसके लिए उन्हें आपको चाहिए होता है, जैसे कि एक नेक्टर होता है। आप सभी को पता है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेक्टर होता है। ठीक है, और फ्रेगमेंट्स की खुशबू उनकी अट्रैक्ट हो जाती है उसकी तरफ। ठीक है, ये लिख रहा अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड बाय एनिमल पॉलिनेटर्स। इसकी वजह से क्या है कि उनको ये सब चाहिए होता है आपका काम करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, और इन्हीं इसी को कहते हैं हम फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स किसे कहते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो होते हैं, जो कि किसी भी फ्लावर के द्वारा इंसेक्ट्स को दिया जाता है उसकी पॉलिनेशन प्रोसेस को करवाने के लिए, जैसे कि नेक्टर हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। जैसे कि हम उसके किसी ना किसी प्रोसेस में मदद कर सकते हैं। आपने एक फ्लावर का नाम अभी तक मेरे ख्याल नहीं सुना होगा। देखिए, उसका नाम होता है अमरफोफेलस। ये जो फ्लावर होता है ना, इसकी हाइट मैं बता दूँ आपको 6 फीट करीबन होती है, मतलब एक आदमी से भी लंबा फ्लावर होता है ये। सॉरी, ये क्या है, ये जो फ्लावर है वो 6 फीट मतलब आदमी से भी लंबा होता है, और ये मदद करता है एनिमल्स की कि वो इसके अंदर जाएं और अपना एग जो है वो ले कर दें, मतलब वहाँ पर अपना एग छुपा दें किसी भी एनिमल से। ओके, यहाँ पर लिख भी रहा है, देखिए लिख रहा है टॉलेस्ट फ्लावर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर, इसका नाम है अमरफोफॉलस। एक तरह का ये इन एनिमल्स के लिए क्या है, एक रिवॉर्ड का काम करता है ये, फ्लोरल रिवॉर्ड का। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, मतलब बात बता रहा है कि हम फ्लोरल रिवॉर्ड जो है हम किसी भी तरह दे सकते हैं, या तो हम उन्हें एक फूड की तरह दे सकते हैं नेक्टर, या फिर उन्हें एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करा दी जाए जिससे कि वो अपना एनिमल्स जो है मतलब अपना जो एग है उसको वहाँ पर सेफ प्लेस रख दे, किसी डेंजर एनिमल से बचा करके। ठीक है, हाँ, तो चलिए एक अगली बात करते हैं। ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट
युक्का एंड इट्स पॉलिनेटर मोथ। देखिए यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है दोनों ही प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मतलब एक प्लांट तो खाने के लिए निर्भर है, एक प्लांट शेल्टर के लिए निर्भर करता है, मतलब अपने रहने के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है प्लांट के बीच में और युक्का के बीच में। एंड इट्स पोलिनेटर मॉथ, द मॉथ इज इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सिंस द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द प्लांट एंड इट्स रिटर्न द प्लांट इज पोलिनेटेड बाय द मॉथ। देखिए इसी की तरह क्या होता है, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है युक्का का, कि जो फ्लावर्स होते हैं एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है प्लांट्स के बीच में और युक्का के बीच में। युक्का क्या करता है, अपना उसके पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद करता है प्लांट की, और जो प्लांट होता है वो उसकी मदद करता है कि उसके एग को वहाँ पर सेफ प्लेस रख दे किसी डेंजरस एनिमल से बचा करके। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ तक तो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। कौन सा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, ठीक है, एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। अब देखिए मान लीजिए कोई आपका इंसेक्ट्स आया और फ्लावर्स के ऊपर बैठ गया, अब क्या है कि उस जो पोलन्स है आपका वो तुरंत के तुरंत उस जो आपका इंसेक्ट्स है उसके पास आ जाना चाहिए, जिससे कि वो पॉलिनेशन आराम से करा दे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो भी नेचर में स्टिकी होते हैं। क्यों होते हैं, जिससे कि आपका वो जो पोलन है वो आराम से एक इंसेक्ट से ऊपर आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आउटग्रेडिंग डिवाइसेस, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। आपको ये क्लियर हो चुका होगा पॉलिनेशन बाय एनिमल, एक बार में एक मिनट में क्विक रिवीजन कराया था आपका। देखिए इसमें क्या था कि आपका प्लांट और एनिमल के बीच में एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जिसमें जो प्लांट होता है आपका वो हेल्प करता है एनिमल की कि वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करा दें या फिर उन्हें एक फूड की तरह नेक्टर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। और जो आपके एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, मैं एनिमल्स से मतलब है आपका इंसेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ इंसेक्ट्स के बारे में, हाँ। तो वो क्या है, इंसेक्ट्स आपकी पॉलिनेशन प्रोसेस कराने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। और देखिए जो मोस्टली एंजियोस्पर्म की फैमिली होती है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज करती है आपका यही भी एनिमल्स का, जिससे वो क्या है बायोटिक है। तो देखिए इस वीडियो बस इतना ही, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।